गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं सलमान खान की अपकमिंग मूवी भारत के बारे में, जो कि बताया जा रहा है कि इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है। वैसे फिलहाल तो बॉलीवुड की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज ही मोस्ट डिसअपॉइंटिंग मूवीज साबित हो रही है, लेकिन इस मूवी से उम्मीद अच्छी है क्योंकि ये कोरियन के थर्ड ग्रॉसर मूवी ओ टू माई फादर से इंस्पायर्ड है। अब आप लोग कहोगे इंस्पायर्ड है तो क्या हुआ, इंस्पायर्ड तो थग्स ऑफ हिंदुस्तान भी थी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन से। वेल, वो मूवी भी अच्छी खासी चल जाती है अगर सिर्फ ग्राफिक्स कॉपी करने के बजाय वे लोग थोड़ा बहुत स्टोरी पे भी कॉपी कर लेते। खैर, भारत मूवी का अलग ही सीन है। तो गाइज, आखिर क्यों आप ये मूवी देखोगे, चलिए जानते हैं। तो मैं यहाँ कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रही हूँ, शायद आपको इस मूवी के प्रति इंटरेस्ट जगा दे। चूंकि हमने कोरियन वर्जन पहले ही देख रखी है तो ये वीडियो टोटली ओ टू माई फादर पे ही फोकस्ड है, जिसके फैक्ट्स एंड फिगर्स से हम भारत मूवी का रिव्यू बता पाएंगे। अच्छी बात यह है कि मैं इस मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू देने जा रही हूँ, यानी कि आपको सिर्फ उतना ही पता चलेगा जितना जरूरी है ये दोनों मूवी देखने के लिए। देश लोगों से बनता है और लोगों की पहचान उनके परिवार से होती है। तुझ में पूरा देश है भारत। इस मूवी का मेन अट्रैक्शन है इसकी इवोल्यूशन स्टोरी। बॉलीवुड मूवीज की यही तो प्रॉब्लम है कि वो कभी इवोल्यूशन नहीं दिखाते, खासकर सलमान खान की मूवीज में उसे शुरुआत से ही बैडेस दिखाया जाता है। मतलब कुछ भी चल रहा है यार, ये तो बताओ भाई, बिना किसी ट्रेनिंग या फिर सुपर पावर हिस्ट्री के कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। सो फ्रेंड्स, हो सकता है कि ये मूवी शायद इस बॉलीवुड फ्लॉ को दूर कर सकती है। आफ्टर ऑल, इस मूवी में हीरो की बचपन से जवानी से बुढ़ापे तक की कहानी दिखाई गई है, यानी कि हमें पूरा टाइम मिलेगा हीरो की बैक स्टोरी समझने में। तो गाइस, जहां ओ टू माई फादर एक थ्रिलर फैमिली ड्रामा है, वहीं भारत एक मसालेदार कॉमेडी से भरपूर एक फैमिली ड्रामा मूवी है। दफ्तर में चुनाव का नामांकन पत्र नहीं भरा जाता और जिस नौकरी के लिए आप आए हैं उसमें इतनी भारी ज्ञान की जरूरत बिल्कुल। ओ टू माई फादर की शुरुआत होती है प्रेजेंट से, जहां हीरो एक बूढ़ा आदमी है जो कि अपनी पुरानी दुख भरी जिंदगी को याद करता है। मूवी की शुरुआत ही इतनी सैड दिखाई गई है कि डेफिनेटली आपको टिश्यू पेपर की जरूरत पड़ेगी। इस मोमेंट पे लगेगा कि बस इससे ज्यादा क्या रुलाओगे यार, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, ये तो दुख भरे आंसू थे, आगे चल के खुशी वाले आंसू आने भी मैंडेटरी है। यानी कि मूवी की स्टोरी को कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि जब आपको लगेगा अब सब ठीक हो जाएगा तो अगले पल ही थोड़ा सैड सिनेरियो डेवलप हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसमें कॉमेडी या रोमांस देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा यार, पूरे 2 घंटे की मूवी में हमें एक पल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम बोर हो रहे हैं। कॉमेडी बिल्कुल सही अमाउंट में, बिल्कुल सही जगह पे है। कुछ सार्केस्टिक जोक्स भी हैं जो कि आपको मूवी खत्म होने के बाद भी हंसाएंगे। अगर कोरियन वर्जन के कंपैरिजन में भारत की बात करें तो बेशक ये दोनों मूवी सेम टाइप की स्टोरी फॉलो करती है, लेकिन भारत कोरियन वर्जन के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही हिलेरियस लग रही है। वेल, एक तरह से ये अच्छी बात ही है क्योंकि कोरियन वर्जन में यही एक कमी थी कि स्टोरी को रियलिस्टिक दिखाने के लिए मूवी को कुछ ज्यादा ही सैडिस्टिक टोन दे दिया गया था। शायद यही कारण है कि इतनी क्लासिक मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी को बस 71% हाई रॉटन टोमेटोज रेटिंग मिली। और रही बात लीड कास्टिंग की, तो उसमें भी जमीन आसमान का अंतर है। जहां कोरियन हीरो को एक सन की बुड्ढा और एरोगेंट यंग मैन दिखाया गया है, वहीं भारत के सलमान खान को एक खुश मिजाज आदमी की छवि दी गई है। अब दोनों मूवीज में ज्यादा अच्छी मूवीज कौन सी है वो तो भारत देखने के बाद ही पता चलेगा। मीनवाइल, अगर आपको ओ टू माई फादर देखना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्लीज मूवी देख लेना यार, काफी मेहनत के बाद लिंक मिला है।뭐 가난했겠죠. 그래서 새가 빠지게 번 돈 싹 다 한국으로 부채시키고. 동네 사람들 형님 뭐 뭐라 하는지 압니까? 부모 형님 잘못 만나갖고 학교도 제대로 못 다니고. मूवी को शॉर्ट में डिस्क्राइब करें तो हमें इसमें देखने को मिलेगा एक आम इंसान का सैक्रिफाइस, अपनों से बिछड़ने का दर्द, वॉर से होने वाले नुकसान और एक वियर बट फनी लव स्टोरी। तो गाइस, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही और ऑसम कंटेंट देखने के लिए। थैंक यू गाइस। आपको जिंदा रखता है।